हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के टू द पॉइंट सेक्शन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि बर्ड स्ट्राइक्स क्या होती हैं और एक एरोप्लेन में ये किस प्रकार से और कितनी घातक हो सकती हैं। दोस्तों, हाल ही में गुवाहाटी से दिल्ली आने वाली एक फ्लाइट को और बिहार में पटना से एक उड़ने वाली फ्लाइट को जो है बर्ड स्ट्राइक की वजह से कैंसिल किया गया था। बर्ड स्ट्राइक एक जनरल प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से समय समय पर जो इस फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल किया जाता रहा है। तो आज के इस टू द पॉइंट सेक्शन में, इस विशेषांक में हम देखेंगे कि ये बर्ड स्ट्राइक्स किस प्रकार होती हैं और ऐसी क्या वजह होती हैं जिनकी वजह से जो प्लेन है वो उड़ने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो आइए बिना देरी किए आज का विशेषांक शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जो बर्ड स्ट्राइक्स हैं वो होती क्या हैं और किस प्रकार से ये हाल ही में इनकी घटना हुई है। हाल ही में इंडिगो A320 नियो विमान ने रविवार सुबह गुवाहाटी से उड़ान भरी थी और 1600 फीट की ऊंचाई पर एक पक्षी की चपेट में आने से उसका बायां इंजन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद पायलटों ने आपात स्थिति में घोषणा की और गुवाहाटी वापस से लौट गए। गुवाहाटी से ये उड़ी थी और उड़ान के बाद में 1600 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई थी जहां पर इसके बर्ड स्ट्राइक होने की वजह से इसका जो एक इंजन है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद में इसे वापस से नीचे उतारना पड़ा, वापस से गुवाहाटी लौटाना पड़ा। आवश्यक निरीक्षण के लिए विमान को वहीं जमीन पर रखा जा रहा है। रविवार दोपहर को स्पाइस जेट की एक अन्य उड़ान में, जिसका नंबर 737800 था, उसके पायलट ने भी टेक ऑफ रोल के दौरान एक पक्षी की उपस्थिति का उन्हें संदेह हुआ और टेक ऑफ रोटेशन के बाद में उनके कैबिन क्रू द्वारा विमान के इंजन से चिंगारी निकलने के बारे में सूचित किया गया। तो टेक ऑफ रोटेशन के बाद में जो उनके कैबिन क्रू था उसने जानकारी दी है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। इसके बाद पायलटों को भी जमीन पर हवाई यातायात नियंत्रण द्वारा उनके विमान के इंजन से धुएं के आने की चेतावनी दी गई। जो जमीन पर जो दल होता है, जो कार्य करता है, जो वर्क फोर्स होती है, उसके द्वारा भी इसी प्रकार की जानकारी दी गई थी। इसी कारण जो पायलट थे उन्होंने आपातकाल की घोषणा की और वापस जो फ्लाइट को है वो वापस से पटना ले गए और वहां पर लैंड करा दी। तो ऐसी दोनों स्थिति हैं और इस प्रकार की स्थिति ये कभी कभी विमान को लेकर बनती रहती है। बेसिकली जो इन ऐसे विमानों में ये प्रॉब्लम आती है जिनमें कि ये जो इंजन होते हैं वो सिंगल इंजन होते हैं। यहाँ पे जैसे ड्यूल इंजन है, यहाँ पे भी ड्यूल इंजन है। इसे बाय द चांस अगर इस एक इंजन में प्रॉब्लम हो जाती है तो कभी कभी छोटी दूरी की अगर ट्रेवल है प्लेन की तो इस एक एक इंजन के सहारे, दोनों तरफ एक एक इंजन के सहारे भी प्लेन को उड़ाया जा सकता है। लेकिन ऐसा जो डिसीजन है वो पायलट और क्रू के डिसीजन पर ही डिपेंड करता है। बेसिकली जो जनरल प्लेन्स होते हैं उनमें सिर्फ ये एक ही इंजन बड़ा इंजन होता है, जिस इंजन में अगर खराबी आ जाती है तो एक साइड का इंजन खराब हो जाता है और ऐसी स्थिति में इंजन खराब होने के कारण प्लेन नहीं उड़ाया जा सकता। तो वो इसी वजह से आपात लैंडिंग की जाती है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों पायलट्स ने ये जो वापस से अपने एयरबेस पे लौटने की इन्होंने डिसीजन लिया था। तो आइए देखते हैं जो बर्ड स्ट्राइक होती हैं उनके बाद में क्या होता है और बर्ड स्ट्राइक का क्या रिजल्ट बेसिकली रहता है। बर्ड स्ट्राइक विमान सुरक्षा के लिए सबसे आम खतरों में से हैं। वे आम तौर पर उड़ान के टेक ऑफ और लैंडिंग चरणों के दौरान होते हैं, क्योंकि जो उतरते और चढ़ते समय जो पक्षी होते हैं वो जमीन के बहुत ही ज्यादा नजदीक होते हैं और ऐसी स्थिति में जो ये खतरा है वो ज्यादा रहता है। दर्जनों पक्षी हमले की घटनाएं हर दिन होती हैं, लेकिन कुछ दूसरों की तुलना में अधिक खतरनाक हो सकती है। आमतौर पर जब पक्षी किसी विमान के एयरफ्रेम से टकराता है तो इससे उड़ान भरने वाले पायलटों के लिए गंभीर समस्या होने की संभावना नहीं होती है, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जहां विमान के इंजन में पक्षी फंस जाते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि जो इंजन होता है उसमें पक्षी फंस जाता है, जिसके कारण इंजन को नुकसान हो जाता है, जिससे बिजली संयंत्रों को नुकसान होता है। इससे इंजन को बहुत नुकसान हो जाता है और चालक दल के लिए गतिशीलता की समस्या पैदा हो जाती है। इंजन को नुकसान हो जाता है तो एक साइड के इंजन अगर एक ही साइड का दोनों तरफ अगर एक एक साइड का इंजन है तो ऐसी स्थिति में एक इंजन से जो प्लेन को उड़ान भरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
इन मामलों में जहां एक जेट इंजन में पक्षी फंस जाता है, तो आमतौर पर पायलट को निकटतम हवाई अड्डा पर विमान को जमीन पर लाने के लिए कहा जाता है। अगर टक्कर एक खिड़की या विंड स्क्रीन से हुई हो, जिसके परिणाम स्वरूप संरचना में दरार आ गई हो, तो पायलट जल्द से जल्द विमान को उतारने की कोशिश करता है। दोस्तों, विंड स्क्रीन जो होती है, जिसे जो आगे का कांच होता है, उसके ऊपर टकराने के बाद में जो जल्द से जल्द क्रैक होने के बाद में जल्द से जल्द विमान को क्यों उतारा जाता है? वो इसलिए उतारा जाता है क्योंकि जब एक ये विंड स्क्रीन होती है, यहाँ से ये प्लेन होता है, ये इस तरीके से प्लेन होता है, यहाँ पर प्लेन की विंड स्क्रीन होती है। इस विंड स्क्रीन में अगर मान लो कोई क्रैक आ जाता है, कोई क्रैक आने की वजह से जो एयर होती है वो एयर प्लेन में फ्लो होने लग जाती है, और जो प्लेन में एयर फ्लो होने की वजह से वहाँ पर जो प्रेशर है वो एयर का प्रेशर कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एयर का फ्लो होने से, प्रेशर कम होने से प्लेन का जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है, और प्लेन प्लेन के क्रैश होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए विंड स्क्रीन क्रैक होने की स्थिति में विमान को जल्द से जल्द लैंड कराया जाता है। अब देखते हैं कि जो बर्ड स्ट्राइक होती हैं वो क्रिटिकल होती हैं या एयर सेफ्टी की दृष्टि से कई बर्ड स्ट्राइक्स को जानलेवा माना जा सकता है। देखिए, छोटे विमान जो आमतौर पर बड़े विमानों की तुलना में पक्षियों के हमले के खतरों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। हमने बताया आपको जो छोटे विमान होते हैं जिनमें कि दोनों तरफ सिंगल इंजन होता है, सिंगल इंजन वाले जो होते हैं, उन सिंगल इंजन वाले जो प्लेन होते हैं, उन प्लेन्स में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा आधुनिक जेट लाइनर कई अतिरेक के साथ बनाए गए हैं, जो बोइंग 737-320 जैसे सामान्य यात्री विमानों को एक इंजन के साथ सुरक्षित रूप से उतारने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। आजकल जो ऐसे स्पेशलाइज और टेक्नोलॉजी से भरपूर प्लेन आ गए हैं जो कि एक इंजन पर भी किसी जो प्लेन को उड़ाने में सक्षम रहते हैं। हालांकि यह देखते हुए कि बर्ड स्ट्राइक ज़्यादातर टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान ही होती है, पायलट उड़ान को रद्द करने का फैसला भी ले सकता है। होल सोल अगर आप देखें तो ये जो डिसीजन होता है वो पायलट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो पायलट डिसीजन लेता है कि अब उसे प्लेन को उड़ाना चाहिए या प्लेन को नहीं उड़ाना चाहिए, या फिर जो नुकसान हुआ है वो किस रूप में हुआ है उसका वो अनुमान लगाकर, उसको वो एनालाइज करके फिर उसके बाद में डिसीजन लेता है कि हमें प्लेन को उड़ाना चाहिए या वापस से उतार देना चाहिए। तो इस प्रकार जो बर्ड स्ट्राइक्स होती हैं वो प्लेन के लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं, और ज़्यादातर केसेस में आजकल ऐसी हायर टेक्नोलॉजी आ गई हैं जिसमें कि सिंगल प्लेन को भी, सिंगल इंजन पर भी प्लेन को उड़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के टू द पॉइंट विशेषांक में सिर्फ इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। इस चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही बेल बटन को भी दबाइए, जिससे कि न्यू जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाया करे। इसके साथ ही फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे टू द पॉइंट के एक नए विशेषांक में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।